सत श्रीकाल जी, की कहिंदा पंजाब दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच असीं रोज़ाना अजिहे मुद्दिआं ते डिस्कशन करदे हां जिहड़े मुद्दे इंपोर्टेंट है खासकर पंजाब दे वास्ते। ते सब तो पहला, क्योंकि ये शो जिहड़ा है ओह लाइव जा रहा है, ते तुसीं पंजाब टुडे दे फेसबुक यूट्यूब पेज ते इस चीज़ नूं लाइक देख लाइव देख सकदे हो। इस तो इलावा इंस्टाग्राम पेज नूं लाइक कर सकदे हो ते ट्विटर पेज नूं भी लाइक करो। ते एक नंबर तुहाडी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहा है, इस नंबर ते कॉल करके तुसीं इस प्रोग्राम दे विच जुड़ सकदे हो, अपने सुझाव दे सकदे हो। ते अज दा मुद्दा बेहद ही खास है, खासकर कॉमनवेल्थ गेम्स विच भारत का प्रदर्शन बेहद ही बेहतरीन रहा है। हुण तक जिहड़ा है तीन यानी कि गोल्ड 3, सिल्वर 3 ते ब्रॉन्ज 3, यानी कि 9 मैडल जिहड़ा है भारत फिलहाल ले चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच। ते जिथे भारत के खिडारी देश का ते अपने अपने सूबियां का नाम रोशन कर रहे हैं, ते काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं जिहड़े भारतवासी है, क्योंकि अक्सर असी जिहड़े खेड नू देखिए तो क्रिकेट नू ही पहले बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंदे सी, लेकिन हुण एथलीटिक्स नू ते होर भी कई अजिहे स्पोर्ट्स हैं जिन्हां नू प्रोत्साहन मिल रहा है, यानी कि लोग हुण उन्हां नू पसंद भी करते, देखना भी चाहते हैं। तो मीराबाई चानू होण या फिर जेरेमे होण या फिर अंचिता होण, इन सारे ने जिहड़ा देश का मान वधाया। इस तो पहला ओलंपिक्स दे विच नीरज चोपड़ा ने मान वधाया है, लेकिन मेन गल यही है कि खिडारी जो देश का नाम रोशन करते हैं तो कितने ना कितने लोगों नू भी खुशी हुंदी है। हुण जेकर तुसीं स्टेडियम की गल करो तो जिथे बहुत ही घट लोग जाते पहले अजिहे स्पोर्ट्स देखने के लिए, खासकर कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए या फिर ओलंपिक्स होण, तो यह शिकायत खिडारियों को होती थी कि देशवासी उन्होंने प्रोत्साहित नहीं करते। लेकिन इस बारी काफ़ी ज़्यादा जब स्पोर्ट्स पॉलिसी के जब प्रोत्साहन दिया जाता है खासकर खिडारियों, तो कितने कितने बदलाव देखने को मिलता है, तो वह बदलाव नज़र भी आता है, तो उन्होंने मेहनत जी है जरूर रंग लेके आती है, तो कितने ना कि वो मैडल भी जीतते हैं। तो बेहद ही ज़्यादा शानदार फिलहाल जी परफॉर्मेंस चल रही है। होर जी है स्पोर्ट्स होर भी जिहड़े मुकाबले होने हैं फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच, लेकिन किते ना किते इस एक वड्डा सवाल है कि केड़े केड़े सूबियां विचों खिडारी जिहड़े आ ओह गए ने। खासकर स्पोर्ट्स पॉलिसी की गल करिए, हर खिडारे जिहड़ा ओह कहिंदे ने कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बेहतर होनी चाहीदी है। इस बारी 215 जिहड़े खिडारी कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच गए ने, जिन्हां विचों सब तो वध 36 खिडारी हरियाणा तो गए ने, उस तो बाद जिहड़े 26 खिडारी हैं वह पंजाब तो गए ने, ते बाकी होर भी जिहड़े हैं सूबे उन्हां दे जिहड़े खिडारी हैं वह अपनी अपनी खेड जिहड़े जिहड़े माहिर ने उत्थे पहुँचे ने। हालांकि कई अजिहे खिडारी भी है जिहड़े कि पहली बार अजिहे स्पोर्ट्स दे विच या फिर अजिहे खेड दे विच जा रहे हैं जिथे कि उन्हां नूं उन्हां दा मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ होने वाला, यानी कि सौखा मुकाबला नहीं है। लेकिन बेहद खास गल यह है कि जब तिरंगा उत्ते जाता है तो कितने तक खुशी ना सिर्फ खिडारियों को होती है बल्कि पूरे देशवासियों को होती है। तो इस पूरी खबर से गलबात करने के लिए सारे नाल स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने कोच भी रह चुके हैं सुरेंद्र सिंह जी। सर, सत श्री अकाल, की हाल चाल? ठीक है जी, बिल्कुल सत श्री अकाल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, कॉमनवेल्थ गेम्स की सब तो पहला गल करते हैं क्योंकि चल रहा है 2022 का, भारत की परफॉर्मेंस नो सब तो पहला किद्दा देख रहे हो, जिहड़े खिडारी हैं वो किद्दा दा खेड खेड रहे हैं? आस्ता आस्ता मेरा ख्याल सानू इन्हां गेमां दे बहुत ज्यादा उत्साह मिल रहा है, और मैं समझदा कि खिडारी भी चंगा खेल रहे और सारा मुल्क इन्हां नू सपोर्ट कर रहा। जिथे तुसीं बिल्कुल ठीक किया कि जिथे पहला खिडारी क्रिकेट दे नू सपोर्ट करदे सी, आस्ता आस्ता होर गेमां दे विच लोगों दा इंटरस्ट आ रहा है, और वो इंटरस्ट के अज दी डेट ते शायद लोकी क्रिकेट थोड़ा देखना घट कर गए ने, कॉमन जिहड़ियां गेम्स आ जरूर देख रहे हैं। जिस वेले गोल्ड मिलदा शायद उस वेले साडे दिल नू मतलब बहुत खुशी हुंदी है, और मैं समझदा कि इह इहनू होर चंगा बनाया जा सकता है जदों ग्रासरूट तों ते चकांगे, ग्रासरूट तों असीं बनावांगे प्लेयर तां ओह सानूं होर गोल लिया करेंगे, और बड़ा अच्छा उपराला है जिहड़ा कि भारत ने भी किया है। खेलो इंडिया तो देखिया होना, खेलो इंडिया के नाल लोगों नूं बच्चों नूं बहुत ज्यादा उत्साह मिलिया, जिथे बाकी गेमां बिल्कुल पिछे हुई सी अज उह गेमां काफी अगे आ रही ने। जिस तरह कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है, जिहदे ते सानूं गोल्ड मिले ने, हरियाणे की बड़ी अच्छी हरियाणे की परफॉर्मेंस अच्छी रही, पंजाब भी बहुत अच्छी, पंजाब ने बड़े बड़े चंगे प्लेयर किए ने और करने चाहिए है, बाकी स्टेट नूं भी जिहड़ियां स्टेट है उन्हें अपनी चंगी पॉलिसीज लैके आनी चाहिए, चंगे ग्रासरूट प्लेयर्स नूं फैसिलिटीज देनी चाहिए। सब तो वड्डी गल सी प्लेयर्स नूं फैसिलिटी, प्लेयर्स नूं अच्छे कोचिज होने चाहिए, पढ़ाई के नाल नाल जिहड़े अच्छे कॉलेज होने चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉलेज होने चाहिए, ताकि वह जिहड़े जिथों बच्चा पढ़ भी सके और खेल भी सके, क्योंकि पढ़ाई के नाल खेल गेम जे गेम है तो पढ़ाई भी जरूरी है।
क्योंकि माँ बाप भी सोच रहे हैं कि नहीं यार बच्चा खेलेगा तो की करेगा, इस करके पढ़ाई के नाल नाल अगर गेम होए मैं समझा सानू होर भी जिदा बाकी देशों को मैडल ज्यादा मिलता है सानू भी ज्यादा मिलता है, क्यों नहीं मिलता है अति मेहनत की है कितने सानू तुम देखो परफॉर्मेंस आस्ता आस्ता साल बर साल बढ़ती जा रही है। नीरज जी चोपड़े तो लोग बड़े खुश हुए, नीरज चोपड़े तो कई प्रभावित हुए उस गेम अज लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। हुणे मैं कल देख रहा सी एनबीए दे विच एक लड़का आया बास्केटबॉल का, इसे तरह ही जो बच्चों को ग्रासरूट तो पढ़ोगे ना फिर ही फायदा है, जो बंदा बन जाता उदों तुम फड़ दो कोई फायदा नहीं, जो बच्चे ग्रासरूट तो बढ़ाओगे ना वो प्लेयर तुम्हें जाके गोल्ड मेडल देंगे जेडे बंदे बच्चे बचपन तो चक। बिल्कुल सर, जिन्हों ने इस बारी कॉमनवेल्थ गेम जीते भी हैं, खासकर मीरा भाई चानू पहली बार नहीं है, इस तो पहला भी जीत चुके हैं, तो एक 19 साल का मुंडा जिन्हें कि गोल्ड मेडल जीते दो, ते अंचिता वो 20 साल का है, ये एक इस चीज़ को किवें देखते हो कि यंग पैशन है देश के दे लिए कुछ करन दा। एक दूजे पासे सर एक होर नवा चीज़ भी देखने को मिली है कि जिवें एक पासे हरियाणा तो कहें ही है, दूजे पासे हुण जिहड़े नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उत्थों भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स नूं लैके मुंडे होण कुड़ियां होण उन्हां नूं काफ़ी उत्थे वधावा मिलता है। मैं कह जी बिल्कुल अज की डेट च कुड़िया मुंडिया का कोई फर्क नहीं, तुम देखो कुड़िया ने भी गोल्ड ले है। मतलब हाँ मैं जी थोड़ा एक दसदा कि जिस वे कल मैं देख रहा सी वेट लिफ्टिंग दे विच इसने उन्हें गोल्ड मिले है और वो 19 साल का लड़का सगा वो बंदा चक रहा सी उस तो इन्नी उन्होंने तकलीफ भी उसके बावजूद भी उस बंद ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हिंदुस्तान को गोल्ड लाया, नाज है सलूट है उस बंदे को जिस बंदे ने इन्नी मेहनत करके अज सारे बंदे उसमें सलूट पा रहे। मैं कहना क्यों यह जे बच्चों को अपना ग्रास रूट तो ऐसे कॉलेज क्यों नहीं होंगे जिथे इन्हों पूरी फैसिलिटी भी दी जाए, बच्चों को पूरी फैसिलिटी दी जाए ताकि कई नीरज चोपड़ा वर्गे होर पैदा हो सकता, सानू वो प्लेयर पैदा करने चाहिए जिहड़े कि प्लेयर ग्रास रूट तो चुके हैं। कितने कितने इन्नी लग रहा है सर कि पहला जोड़ा है सिर्फ क्रिकेट नू प्राथमिकता दी जाती सी, इंपोर्टेंस दी जाती सी जब कोई इकट्ठे होंगे सी कि सिर्फ स्पोर्ट्स के नाते क्रिकेट देखते सी, हालांकि भारत का जोड़ा नैशनल खेड भी है वो हॉकी है उसनू लेके भी इन्ना प्रोत्साहन नहीं सी, लेकिन सरकारां ने थोड़ी बहुत तब्दीली की जब तो स्पोर्ट्स पॉलिसी दे विच चेंजेस आए ने उस तो बाद हुण लोग भी इंट्रस्ट लेन लगे ने। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा तुम ये देखो कि उड़ीसा वर्गे स्टेट ने जितों के हॉकी नू उन्होंने बहुत कुछ दिता है, हॉकी वास्ते बहुत कुछ किया है, इसे तरह हर स्टेट नू। मैं कहना क्रिकेट कोई भी गेम ले लो कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक बॉल उपर जाएगी निकलता एक दिन थले आना यार, क्रिकेट एक लोगों को धर्म समझ आता हूँ आस्ता आस्ता क्रिकेट का इंटरस्ट घटता जा रहा लोगों को वो इंटरस्ट हूँ बाकी गेमों च बहुत क्योंकि पहले खाली क्रिकेट होंगी थी हूँ कॉमनवेल्थ से सानू गोल्ड मेडल लोगों को होर इंटरस्ट पैदा हो गया, आज प्लेयर होर पासे जाने तैयार है, कोई बैडमिंटन से जाने तैयार है, कोई बास्केटबॉल से जाने तैयार है, कोई वेट लिफ्टिंग से जाने तैयार है, कोई कुछ से क्योंकि वो जो गेमा देखे ना ये जरा जरा लाइव दिखाते हो ना वह बहुत बच्चों को फायदा होता, बच्चे उतों इनकरेज होंगे वो इनकरेज होकर बच्चे फिर सोचते कहते भी अगर ये बच्चा कर सकता और ये तो तुम्हें भी पता कि 18 तो लैके 25 साल तक ही बच्चे जड़े वो सानू गोल्ड मोल्ड दवा सकते हैं, फिर उस तो बाद तुम्हें भी पता कि आदमी जी जवानी होंगी है जवानी यही है और मैं समझता कि हर एक स्टेट को जो जिन्हें प्लेयर ने इन्हों संभाल के रखना चाहिए और इन्होंने चंगी फैसिलिटी और चंकी कोचिंग देनी चाहिए, सब तो वही गल चंगे कोच हो कोच साढ़े को है कोई सू बहरों मंगाने की लड़ है क्योंकि उतो एने इन्ने कोच अब नीरज चोपड़ा है अगर कल दो बारी हो जाए तो होर अगर लिया सकता जिस दिन हटे उस दिन इस बंद ने इस गेम का कोच बना देना चाहिए ताकि ये बंदे को पता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आती की फैसिलिटी चाहिए। मैं समझता जो प्लेयर ऑलरेडी खेल चुके हैं या जो सू गोल्ड लिया चुके हैं उन्होंने ही कोई ऐसी फैसिलिटी उन्होंने ऐसे कोई सेंटर बनाकर देने चाहिए जिससे कि बाकी जिन्हें प्लेयर है उन्होंने तैयार कर। ठीक है सर, हुण आंदे मेन मुद्दे नूं पंजाब नूं लैके, पंजाब एक टाइम तो अजिहा सीगा कि स्पोर्ट्स नूं लैके हरियाणा तो काफ़ी अगे सी, लेकिन पिछले कुछ समय दे विच हालात बदले, हो सकता शायद स्पोर्ट्स पॉलिसी कोई बेहतर नहीं हो सकी जिस करके शायद खिडारी अगे ना आ सके, लेकिन हुण भी हरियाणा तो बाद दूजे नंबर ते या फिर देश दे विच दूजे अजिही स्टेट है जिथों दे सब तो वध खिडारी जिहड़े इस बारी कॉमनवेल्थ दे विच गए ने, पर स्पोर्ट्स की वेरिएशन की गल करिए सर वेरिएशंस नहीं उत्थे नज़र आती पंजाब दे विच क्योंकि हॉकी दे विच जांदे हैं रैसलिंग दे विच बहुत कम, तो इस अलावा होर केड़े केड़े स्पोर्ट्स दे विच पंजाब दे जिहड़े खिडारियों कॉमनवेल्थ या फिर ओलंपिक्स होण या फिर होर केड़े जिहड़े भी गेम्स होंदियां उत्थे जांदे ने।
कबड्डी है जी साड़ी गेम हैगी पंजाब की, और उतो मैं समझता कि अगर प्लेयर इनकरेज हो रहे तो स्टेट भी इनकरेज होनी चाहिए, स्टेटा भी पता होना चाहिए कि अगर हरियाणा के बच्चे 3 मैडल लिया सकते या 4 मैडल लिया सकते, साड़ी स्टेट को अगर 2 मैडल मिले, तो मैं लगता हर स्टेट को यह पता लग जाना चाहिए कि स्टेट का नाम ता ही उच्चा हो सकता है जो स्टेट प्लेयर वास्ते कुछ करेगी, और क्यों करेगी। कंपीटीशन एक हेल्दी कंपीटीशन होना चाहिए, हर स्टेट से एक हेल्दी कंपीटीशन होना चाहिए कि असं भी जे अज हरियाणा चंगा कर रहे असं भी चंगा करना, और चंगा करने वास्ते तुहानू अच्छी पॉलिसी देनी पेगी। और होर कई गेम ने, रेसलिंग है, रेसिंग है, सब कुछ है, बहुत गेम्स ने जिहड़ियां गेमां विच असीं बहुत ज्यादा पिछे चले हैं। पंजाब दी इन्नी गेम सी, खो खो है, मतलब तुसीं देखो कि जिहड़ियां नैशनल गेम उत्ते जांदियां, पहलां लोकी जाणदे फुटबाल हाकी क्रिकेट हो जांदे, पर ऐसियां कई गेमां ने, और तुसीं देखो रेसलिंग दे विच कुड़ियां बड़ा अच्छा कर रही हैं, और कुड़ियां हर मैदान दे विच अच्छा कर रही हैं, मुंडियां दे नाल बराबर है। अज साडी चलो क्रिकेट तुसीं, मैं गल करना क्रिकेट दी टीम साडी अच्छा कर रही है, कल असीं पाकिस्तान नूं हराया, कॉमनवेल्थ हराया, रिकॉर्ड भी तोड़िया किसी चंगे प्लेयर का रिकॉर्ड बड़े मिल जाते हैं। सो यह नहीं गल के कुड़ियां जितना प्लेयर इनकरेज होते हैं स्टेट को जरूर चाहिए, आज सोचना चाहिए कि सानू एक पॉलिसी अच्छी बनानी चाहिए, जिहड़ियां चंगी स्टेट कर रही है उन्होंने तो कुछ सीखना चाहिए, सीखने से कोई हर्ज नहीं। अगर कोई स्टेट अच्छा हरियाणा अच्छा कर रही है तो आज पंजाब नूं करना चाहिए कि पंजाब नूं भी देख के चंगा करना चाहिए, और मैं समझा हर स्टेट नूं करना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान है, स्टेटा नूं मिला के खै की है भारत, जो एक मैडल मिलता और एक स्टेट नूं नहीं मिलिया, हरियाणे नूं नहीं मिलिया, पंजाब नूं नहीं मिलिया, वह हिंदुस्तान, तो असी सारे स्टेटा ने एक कोशिश की है कि जो भी कोई इस मैडल मिलता उसको हिंदुस्तान को मिलता, असं सारी स्टेट कोशिश करने कि हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड के मशहूर। सर स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्योंकि तुसी कोच भी कोचिंग भी दी है कई खिडारियों, तो कई बार असं देखते हैं कि हाल फिलहाल दे विच या कई सालों के जी उन्हां दी स्टेट होंदी है एक्चुअल उत्थों नहीं खेड के खिलाड़ी जिहड़े हरियाणा वालों या पंजाब वालों दूजी स्टेट्स तो खेडते हैं, आखिर इसदे की कारण है कि खिडारियों नूं जिहड़ा अपने ही स्टेट दे विच वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, या होर कोई कारण भी होंदे ने, प्राइज मनी भी किस नूं कह सकते हैं या फिर होर फैसिलिटीज़? बहुत कारण होंगे ने, तुम अज देखो अज हर बच्चा बाहर जाके पढ़ने को तैयार है, क्यों है ये सानू देखना पड़ेगा, वजह व्हाट इज द रीजन, की कारण है कि अज बच्चे सारे को कनेडा पढ़ने जा रहे हैं, कोई यूएसए पढ़ने जा रहे हैं, और कोई इस तरह ही स्टेट है, अज अगर कोई हरियाणा तो चंगा खेल रहा या पंजाब तो चंगा खेल रहा वो दूसरी स्टेट से जा रहा, वो अपना बच्चा दूसरी स्टेट से जा रहा है वजह तो होनी चाहिए, की वजह है क्यों जा रहा है। इस करके हर एक स्टेट को, मैं हूँ गल की कि हर स्टेट को अपना अपना जरूर ख्याल रखना चाहिए, और एक माली की तरह एक बच्चे जेडे एक बूटे की तरह इन्होंने तुम्हें पालना पेगा, तो जो वे होंगे फिर फल दे, एक दिन च कोई फल नहीं चाहता, अब तुम बूटे लाओ, चंगे प्लेयर पैदा करो, ग्रासरूट तो ग्रासरूट तो जो बंदे का जो शरीर है ट्यूनअप होगा वह जाके गोल्ड मैडल लिया सकता, 19-20 साल के बच्चे कोई कुछ नहीं सिखा सकते। तो इस करके मैं यही कह रहा कि स्टेट नूं हर स्टेट नूं चाहिए जिहड़े उन्होंने अच्छे प्लेयर है उन्होंने अच्छी फैसिलिटी दी जाए, पैसा ही खाली चीज नहीं होती, एक रिस्पैक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, तुसीं उन्होंने अच्छी रिस्पैक्ट दो, पैसा मतलब ये नहीं कि खाली प्लेयर पैसे वास्ते ही जाते, कई होर कारण होंगे जिस करके अपनी स्टेट चेंज। सर जिहड़ी एक गल करिए नॉर्थ ईस्टर्न जिहड़े खिडारी ने जिहड़े कि कई मैडल्स भी अपने नाम कर चुके ने, ना सिर्फ कॉमनवेल्थ वेल्स लेकिन इस तो पहला भी जिहड़े है कई अपने नाम कर चुके ने, चाहे मीराबाई चानू होण, लेकिन इन्हां दी जिहड़ी फैमिली बैकग्राउंड की गल की जाए तो वह खेडां तो नहीं होंदे, दूजे पासे वह इन्ने आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होंदे कि वह अगे आ सकन, लेकिन फिर भी किते ना किते वह कहिंदे ना कि जिहड़ा संघर्ष करदा है वह अपनी जित जरूर हासिल कर दिंदा है, तो अजिहे दे विच खास करके क्योंकि खिडारी एक डाइट बेस जरूरी होंगी है, उसको लेके कि सरकार सही तरीके दे नाल काम कर दी है, या जेड़ा सर ग्राउंड लेवल की गल करिए जिथे कोचिज हो वधिया कोचिज हो या फिर जेड़े वधिया स्पोर्ट्स सेंटर हो जिथे जाके वो प्रैक्टिस करन, वो ग्राउंड लेवल ते किन्ने की उन्हां दे हालात बेहतर ने या किवें किदे हालात ने उत्थे? देखो कोई इन्ने चंगे हालात नहीं है मैनू इस कहण ते, और जेड़ा टैलेंट है ना टैलेंट लभना पएगा, टैलेंट अपने आप नहीं आएगा, टैलेंट के वास्ते भी तुहाडे कोल बंदे होने चाहिए,
टैलेंट हमेशा बुरा ना मानना, टैलेंट ज्यादा तो पिंड चो गरीब आदमी को मिले, शायद अमीर आदमी चो टैलेंट ना मिले। गरीब आदमी च क्यों टैलेंट है कि वह एक पिंडा के पले हुए, पिंडा का पलिया हुआ बच्चा एक चंगा खुराक है, उसकी उसको खुराक है, उसके को अच्छे पर उसको खुराक है, तदीर है, फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी गवर्नमेंट का देना फर्ज है, जी गवर्नमेंट ने सेंटर खोले उन्होंने सेंटर रिवाइव करे, सेंटर खोल देने एक गल है, सेंटर चलता ही रखना यह बहुत वो जरूरी है। सेंटर खोल दिते आज सेंटर से कोई ना कोच है, ना कोई प्लेयर है, ना उस कोई अच्छे ग्राउंड बने हुए हैं, ना कोई अच्छी फैसिलिटीज हैगी है। अगर किसी ने बच्चे ने 18 20 साल 17 साल वो 17 साल किसी ना किसी तरीके पढ़ाना पड़ेगा, कोचिंग पानी पड़ेगी, संभाल के रखना पड़ेगा ताकि बच्चा होर किधरे इधर उधर ना जाए। जो एक अच्छे फैसिलिटी दे दोगे, बच्चे भी पता है कि आज अगर गोल्ड लेके आ रहे मैं भी एक दिन ये लेके आना ता ही मिल जी। और सेंटर जिहड़े अज बने हैं मैंने भी कदा मेरा ख्याल 90% सेंटर बन दिते गए हैं पर सेंटर रहे नहीं है। अज उत्थे देखोगे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कोचिंग नहीं। ये गवर्नमेंटा सारे ध्यान रखना चाहिए, जे अगर कोई अच्छी जिते फैसिलिटीज हैगी है, अगर हरियाणा अच्छा कर रहा है उन्होंने को उन्होंने स्टेडियम देखो, उन्होंने कोचिज देखो और प्लेयर साडे कोल भी आके बंदे कोई नहीं। और यह मैं समझदा कि अगर तुम गेम्स नूं सारिया गेमां नूं जरूरी नहीं जे असीं एक गेम की गल करते सारिया गेमां नूं अगर सपोर्ट करोगे तो मेरा ख्याल है कि बच्चे जिहड़ा पंजाब दे विच तुसीं नशा नशा कर रहे हो वह भी खत्म हो सकता है। गलत पासे बच्चा ता ही जाता जे बच्चे नूं कोई अगे कोई नजर नहीं आता, अगे उन्हूं ग्रासरूट कोई फड़दा नहीं, उन्हूं बचपन तो कोई संभालता नहीं। अगर उन्होंने बचपन तो संभालेगा तो हो सकता है इधर उधर जाने की बजाय कच्चे पासे लग जाए। ये सानू जरूरी है, अज असीं बच्चों नूं संभालिए, बच्चे इत्थे ही सब कुछ कर सकते हैं, इत्थे ही अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, पर फैसिलिटी जरूर गवर्नमेंट होर किसी पासे फैसिलिटी शुरू करके उस फैसिलिटी कंटिन्यू रखना पैना, कंटिन्यू रखेंगे ता ही तुहाडे कोल। यह नहीं कि अज कॉमनवेल्थ च होया जोश आया सब ने अनाउंस करता है 10 लाख देता 20 लाख, ना ना ना, इनू कंटिन्यू कंटिन्यू अगले कॉमनवेल्थ तक तुहानू प्लेयर होर प्रोड्यूस करने पैणे ताकि अगले अज अगर जिन्हें मैडल है इहदे नाल डबल मैडल मिल गए फिर तो वह फायदा कि चलो अज साडीआं स्टेटां ने कुछ किया है ताकि अगे नाल साडे डबल मैडल। बिल्कुल सर, सर तुसीं नशे की गल की कि मैं पंजाब की गल नहीं करांगी, कई थां ते अजिहे हालात ने जिथे कि क्योंकि स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है या फिर स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने कोई प्रोत्साहित नहीं करते जिस पासे वो दूजे गलत पासे चल जाते हैं। हालांकि इसका सोल्यूशन यह भी दसिया जाता है कि जेकर पिंडां दे विच स्पोर्ट्स नूं बेहतर किया जाए यानी कि खेडां नूं लैके उन्होंने वधिया ग्राउंड दिते जाण या फैसिलिटीज़ दित्तियां जाण तो हालात जिहड़े बेहतर हो सकते हैं। पंजाब की गल करते हैं सर, फैसिलिटीज़ तुहानूं याद होएगा शायद कि वर्ल्ड कप कबड्डी कप होंदे सी अकाली बीजेपी की सरकार वेले जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट भी मिलती सी ते एक वड्डे लैवल ते वर्ल्ड लैवल ते उन्नू कीता जांदा सी, लेकिन उस तो बाद हालात इदा गए कि स्पोर्ट्स दे विच पंजाब दे विच कोई वड्डा इवेंट होया ही नहीं, वह सिचुएशन जिहड़ी है बिल्कुल लगातार डिगदी गई डिगदी गई ते हुण कोई इवेंट अजिहा नहीं होंदा। उस वेले जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया गया सी कबड्डी नूं ते हुण उस चीज़ नूं किदां देखदे हो कि हुण स्पोर्ट्स नूं लैके कोई वड्डा इवेंट पंजाब दे विच होंदा ही नहीं है? मेरी ये बेनती है जड़ी भी नवी गवर्नमेंट आ रही, अगर किसी बंदे ने एक चंगा काम किया, अगर अकालिया ने एक अच्छा काम किया कबड्डी का टूरनामेंट कराया थी, उन्हें कंटिन्यूस रख, नैक्सट गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है कि उन्हें कंटिन्यूस रख, उन्हें कंटिन्यूस ना रखना उ जितों जो बच्चा वेला छड़ दे वो कुछ नहीं होएगा। वो स्कूल च भी शायद चंगी तरह स्कूलों की फैसिलिटी थोड़े को इन्नी अच्छी नहीं हैगी, अगर स्कूल च भी की करेगा फिर कितने जाएगा, किसी गलत पास जाएगा। अगर उस पिंड दे विच अच्छा स्टेडियम बन जाए, अच्छे कोचिज होण, उत्थे गेमां होण, हर एक गेम होए उत्थे के बच्चे शाम नूं उत्थे जाणगे जाण, तो इस करके बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है कि जब तक तुसीं कच्चे फैसिलिटी नहीं दिंदे और वह इवेंट जिहड़ा किसी ने स्टार्ट किया उन्हूं कंटिन्यूस नहीं रखते, इस करके ना उन्हूं कंटिन्यूस बंद करो कि अकालियां ने किया। अरे एक गेम है, गेम नूं एक स्पोर्ट्स लैके चलो, स्पोर्ट्स किसी रिलीजियस ना या किसी पॉलिटिक्स ना लगी नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स एक गेम है, उस गेम नू अगर अकालिया ने कोई चंगा काम किया तो उन्हें कंटिन्यूस रखो, कप उन्होंने कराया वो कराई जाओ, तुम भी कराई जाओ, गवर्नमेंट भी करे, अकालिया भी चाहिए कि अगर वो आप उन्होंने को प्लेयर थे
उन्होंने सारा अच्छा टूर्नामेंट कराया, उस टूर्नामेंट को कंटिन्यूस और सर एक कंटिन्यूस रखना चाहिए। जी एक सवाल मेरा होर भी है सर, पंजाब के जिहड़े खिडारी है किहड़े किहड़े स्पोर्ट्स दे विच ओ बेहतर करते हैं, जिवें कबड्डी की असीं गल करिए, हॉकी की असीं गल करिए, होर किहड़े किहड़े स्पोर्ट्स दे विच पंजाब दे खिडारी अगे ने? नहीं मैडम अच्छे हरेक च है, अज अज वर्ल्ड क्लास से असीं क्रिकेटर भी पैदा किए ने, तो एक लड़की है हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड वर्ल्ड भी है, भजन सिंह है, काफी जगह प्रगट सिंह है, बलवीर सिंह है, पंजाब च सारे बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन है, ऐसी नहीं कि पंजाब च स्पोर्ट्समैन नहीं निकले, पंजाब च स्पोर्ट्समैन अपने आप निकले है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। हरमनप्रीत कौर जिस वेले पंजाब गवर्नमेंट को कलर्क की नौकरी बन लगनी थी, इन्होंने ना करती थी, रेलवे ने कलर्क की एक तो मैं चाहना कि जो थोड़े को प्लेयर आते हैं उन्होंने संभालो, उन्होंने रोको कि तुम क्यों जा रहे हो रेलवे से या तुम होर किसी स्टेट से क्यों जा रहे हो, पंजाब से तो उदो ना, पर हूँ हूँ जो बिल्कुल तारा बन गई स्टार बन गई फिर तुम डीएसपी की नौकरी दे रहे, ये भी कर उस वे प्लेयर जिस वे प्लेयर थानू चाहता कि जी मैं स्टेट खेल रहा या मैं राज्य तरफ खेल रहा या मैं किसी जड़िया हूँ हिंदुस्तान दें हो मैडल लिया करता ताकि मैं अगे जाना चाहता मैं फैसिलिटी दो, फिर उस प्लेयर को संभाल के रखना पैगा, उस प्लेयर को हर एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रिटर्न की रिटर्न तो ही है जो तुम उसे कुछ लाओगे, जे कल बने बनाए कुछ दोगे वह कोई फायदा नहीं, हरमनप्रीत ने कुछ ही कुछ नहीं किया, हरमनप्रीत ने अपनी मेहनत ना उपर आई, हाँ उस तो बाद डीएसपी बनाता उसने कलर्क भी नौकरी देंगे उन्होंने कहते कि नहीं बी तेन सारी फैसिलिटी देंगे, हर एक प्लेयर मैं एक हरमनप्रीत की गल नहीं करता होर प्लेयर की भी गल कर जे होर कई प्लेयर ने जिन्होंने फैसिलिटी नहीं मिलती वह बेचारे उ दूजे पासे सर एक मेरा जी जी सर हाँ जी हाँ जी कुछ कह रहे थे, मैं तो यही कह रहा था कि जिस तरह भी जो भी प्लेयर है कोई प्लेयर चंगा अगर मैं कहना पंजाब दिया गेमों दे चंगा कर रहा है तो उन्हें अगर वो किसी को नौकरी है या नौकरी उन्हें लोड़ है नौकरी दी जाए, क्योंकि 18-20 साल दे शायद नौकरी की ना लोड़ पर उन्हें होर फैसिलिटी जरूर दी जाए, उन्हें कोचेज दिते जाण, उसनूं कुछ ना कुछ डाइट वास्ते उसकी डाइट वास्ते कुछ ना कुछ उसनूं पैसे जरूर दिते जाण कि भाई तेरी ये डाइट है तैनूं ये असीं ये तेरे कोचेज है कोचेज नूं तैनूं कोचिंग फ्री है तैनूं डाइट फ्री है तू कुछ करके दिखाना है ताकि पता लगे पंजाब दे जिहड़े बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं, तुहानूं वी पता मैं कहना नहीं चाहता नशे ने अज पंजाब दे अद्धे जिहड़े गभरू जवान से सारे बर्बाद करते, बिल्कुल पंजाब च कोई जवानी घट नहीं सी, पंजाब च जवानी असीं संभाली नहीं, अगर पंजाब च असीं इह गेमां कबड्डी है जां फुटबाल है जां हॉकी है इह गेमां असीं रेगूलर रखते ते अज किते बच्चे जाण दी लोड़ नहीं सी, हॉकी हिंदुस्तान दी हॉकी पंजाब च मैक्सिमम प्लेयर पंजाब दे तो आप प्लेयर्स को संभालना पड़ेगा, आप चाहे उन्होंने पढ़ाई वाले पास ला के चाहे उन्होंने चंगे कोचिज दे के या उन्होंने डाइट इंतजाम करके, क्योंकि अगर कोई गरीब आदमी खेलता तो हो सकता उसको डाइट और खाने वास्ते पैसे ना हो, पर जो नहीं होंगे फिर वो गेम छड़ जाता फिर वो किसी और पास चले जाता नौकरी लगता जा, इस करके सानू ना उस टाइप के जो प्लेयर है जो टैलेंट टच है उन्होंने सानू बिल्कुल उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है, ना कि सू बाद बढ़िया नौकरी दे सके, सू उस वे उन्होंने समझना चाहिए कि नहीं भाई ए सा कुछ करेगा पंजाब वास्ते करेगा, पंजाब वास्ते करेगा तो हिंदुस्तान का नाम बिल्कुल, क्योंकि जब खेडा तो जाते हैं तो सिर्फ स्टेट का नाम नहीं होंगे देश का नाम भी जरा रोशन करते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, देश के विच देश की भारत की गल करिए या फिर होर देशों की गल करिए, खेडा दे विच कितनी की कुछ तब्दीली तुसी देख रहे हो, चाहे वह मैडल का जरा जितने हो हर एक टूर्नामेंट की असी गल कर लिए, कोई भी टोक्यो ओलंपिक्स हो या फिर ओलंपिक्स कॉमनवैल्थ गेम्स हो, इन्हों दे विच हुण भारत किस पद्धर ते है? भारत अगे नालों बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि जेड़ा इन्होंने देखो गवर्नमेंट का बड़ा इतिहास होता है, अगर गवर्नमेंट चाहे किसी भी चीज को आज उन्होंने खेलो खेलो जो रिलायंस ने किया बड़ा अच्छा है, इतने पिछले पिछकूल होया अच्छे प्लेयर आए थे अच्छा टैलेंट आया मैं देखने में, तो कहने का मतलब है कि जो जो प्लेयर है ना उस तरह के इवेंट साल भर चलते रहने चाहिए, ये नहीं जो गेम आने फिर उस वे कैंप लगे, कैंप हमेशा लगे रहने चाहिए, हर कैंप लगन कैंप से बच्चे कुछ सीखने मिले फिर वह मेडिकल होंगे रहने चाहिए है ताकि बच्चा होर किसी इधर उधर किसी पास जाना,
बच्चे भी फिर इधर नहीं जाते क्योंकि हूँ जो कॉमनवेल्थ हो कह रहे कि गेमां तो की फर्क है गेमां तो लोगों को क्या मिल रहा क्या क्रिकेट लोग क्रिकेट ही देख सकते और कोई गेम देखना पसंद नहीं करते हूँ हर गेम देखना पसंद करते क्योंकि जो मैडल मिलता एक काली स्टेट नाली उस बंद कुछ नहीं ना पूरे हिंदुस्तान कि नहीं यार हिंदुस्तान मैडल मिले अज तीन मैडल मिले है सब खुशी है मतलब साढ़े को ब्रॉन्ज मैडल भी है सिल्वर मैडल भी मिले मतलब आज हिंदुस्तान किसी ना किसी इन्होंने लाइन च आ गया कि टाइम से सू एक भी मैडल नहीं मिल सकता ठीक है अज इन्होंने गेमां च अगर हिंदुस्तान अगर आने लगा और हूं ये टाइम राइट टाइम के जो भी प्लेयर है इन्होंने ठीक तरीके संभालिया जाए इन्होंने एक अच्छे फैसिलिटी दी जाए अच्छे कोच दी जाए कोच बहुत जरूरी है बिना कोच तो शायद कोई भी प्लेयर एक सही रास्ते से चल नहीं बिल्कुल कोच उ सुरेंद्र जो सर चंगे बंद हाँ जी सर मतलब ये कोचेस जरूर जो छड़ चुके हैं उन्होंने इस लाइन चो लिया चाहिए ताकि जो उन्होंने दोस्तों दिता या जो उन्होंने गेम ने दिता उस गेम नू बाकी बच्चे नू वड के जाए बाकी बच्चे नू दे के जाए अगर कोई बहुत अच्छा हाकी का प्रगट सिंह है बलबीर सिंह जिन्हें भी पुराने प्लेयर है हाकी ने उन्होंने चाहिए कि एक अच्छे कोच जाके जाते ताकि बच्चे उन्होंने तो क्या मिल के ये प्रगट सिंह है ये प्रगट सिंह ने दोस्तों का नाम किया ये कर सकता मैं कर तो इस बिल्कुल एक करके ना एग्जांपल बच्चे भी जरूर किसी सेट कर माहौल में सकते हैं ये जड़े खिडारी हाँ ने जिन्होंने देश का नाम रोशन कराया चाहे वह प्रगट सिंह होन बलबीर सिंह सीनियर होन हालांकि वह नहीं रहे हूँ दुनिया के मिल्खा सिंह जिन्होंने सब तो पहला एथलीट्स के पंजाब का नाम तो देखो भारत का नाम देश भर के ना सिर्फ विश्व और भर के मिल्खा जो सिंह उन्होंने रोशन किया तो उन्हें नहीं भूल सकते बहुत कपिल बहुत देव हो धन्यवाद गया सर कपिल देव दी बिल्कुल उन्होंने कि भूल सकते सब तो पहला वर्ल्ड कप उन्होंने जी कैप्टनशिप के है हूँ अच्छे बच्चे निकल रहे हैं छोटे जी बच्चे अंडर 19 दे साढ़े तीन बच्चे है तो ले गए ने एनसीए दे कैप ये नहीं कि चंडीगढ़ से बड़ा अच्छा टैलेंट है अंडर 19 से अच्छे प्लेयर पैदा मतलब हर एक गेम से मैं मतलब बड़ी खुशी है कि आज कॉमनवेल्थ से जो गया सारे देश को मेरे वालों मुबारक है और मैं समझता हर एक स्टेट को जरूर कुछ ना कुछ हिस्सा लेना चाहिए और स्टेट न कई जितना कई मैडल सानू लैके आने चाहिए ताकि साडा हिंदुस्तान एक बड़ा विशाल हिंदुस्तान है और काफी साढ़े को टैलेंट है और काफी असि काफी चंगा कर सकते तो इस करके बिल्कुल मुबारक है सारे हिंदुस्तान बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर साडे नाल जुड़न दे लई तुसी जानकारी सांझी कीती ते होर की कुछ कमियां पेशियां है सरकारां नूं की कुछ करना चाहिए खिडारियों नूं किवें प्रोत्साहित किया जा सकता है इन सारी चीज़ों नूं लैके तुसी गलबात कीती ते बिल्कुल खिडारी जद भी जितदा है कोई भी मैडल जितदा है वह सिर्फ अपने सूबे दे लई नहीं बल्कि देश दे लई जितदा है ते देश दा नाम खासकर हिंदुस्तान दा नाम जिहड़ा है वह अगे वधाउंदा है ते जिवें कि मैं पहले भी दस्सिया कि पंजाब दे विच अजिहे खिडारी निकले ने चाहे वह प्रगट सिंह होन बलबीर सिंह सीनियर होन कपिल देव होन मिल्खा सिंह होन फ्लाइक सिख जिन्हां नूं जान ते उन्हां उत्ते फिल्म भी बनिया ने यह सारे अजिहे खिडारी ने जिन्हां ने ना ना सिर्फ पंजाब देश ते विदेशां दे विच भी जिहड़ा अपना नाम बनाया इस तो इलावा युवराज सिंह हरभजन सिंह क्रिकेटर्स ने ते हुण भी जिहड़े कई अजिहे नवे खिडारी सामने आ रहे ने सिर्फ स्पोर्ट्स पॉलिसीज जिहड़ी बेहतर करन दी लोड़ है सरकारां नूं इस पासे सोचना पएगा जेकर वह जिहड़े नौजवान ने उन्हां नूं नशे तो कढ़ना चाहते हैं क्योंकि मुख्य कारण यही है कि उन्हां दे कोल करन दे लई कुछ है नहीं रोज़गार दा जरूर एक कहा जाता है कि रोज़गार एक कारण है कि जिस करके वह नशे विच जाते हैं लेकिन जेकर वो अपने आप नूं खेडां दे विच इंडल्ज करन खेडां दे विच उन्हां दा ध्यान रहेगा तो किते ना किते वो नशे तो भी दूर रहणगे ते सरकारां नूं इस पासे जिहड़ा सोचण दी लोड़ है ते अज दा जिहड़ा मुद्दा सीगा वो खेडां नूं लेके सीगा कि पंजाब आखिर खेडां दे विच किते है हालांकि सिचुएशन ज़्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन इन्नी माड़ी भी नहीं है बाकी सूबिआं नालों बहुत बेहतर है दूजे नंबर ते जिहड़े इस बारी खिडारी गए ने 26 खिडारी पंजाब दे कॉमनवेल्थ गेम्स ते गए ने ते होर भी खिडारी जा सकते ने पर उन्हां नूं अच्छी ट्रेनिंग अच्छे कोचिज होने बहुत जरूरी है डाइट दा उन्हां दा ख्याल रखना बहुत जरूरी सरकारां नूं पैसे लाने चाहिए है स्पोर्ट्स नूं लैके सिर्फ गल्लां ही नहीं करनी चाहिए तो जेकर कोई सूबा सरकार किसी ने चंगा कदम किया उस नूं अगे वधाना चाहिए उन्हां नूं जिहड़ा है खिडारियों नूं प्रमोट करना चाहिए उन्हां नूं बुला के उन्हां नूं उत्साहित करना चाहिए क्योंकि कितने ना कितने इस करके एक जज्बा भी जिहड़ा खिडारियों का वधदा है तो अज्ज लई इन्ना ही कल फिर मुलाकात होगी एक नवे मुद्दे नूं लैके तद तक मैनूं दिओ इजाजत सति श्री अकाल।